नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एक्शन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन सी बन रही है सरकार, किस पार्टी की बनेगी सरकार, यूपी में चुनावी गणित और सरगर्मी तेज हो गई है, और एक दूसरे दल अपने पाले में कितनी सीट आएगी ये भी गणना करना चालू कर दिया है, और टिकट वितरण का भी काम चालू है, और पहले चरण के लिए नामांकन हो चुका है और पूरी तरह और कुछ दिनों के बाद वोटिंग होगी पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक की कितना ग्राफ है ये आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि बुंदेलखंड, अवध, सेंट्रल यूपी, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल तमाम सीटों यानी 403 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पूर्णतया अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बुंदेलखंड रीजन की। 19 विधानसभा सीट है और यहां पर 19 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 18 सीट मिल सकती है। 19 में से 18 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है। सपा को यहां पर एक सीट, बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म में 0 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी खत्म में भी यहाँ पर 0-0 सीट। बुंदेलखंड वोटर यानी वोट प्रतिशत के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन की बीजेपी को यहाँ पर 51% वोट शेयर। जी हाँ दोस्तों, बम्पर वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है। सपा के खाते में यहाँ पर 25, बसपा को यहाँ पर 14% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर पर 6% वोट शेयर के साथ अपने पाले में कर सकती है। वही अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीट यानी मात्र 4 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। अवध रीजन की 119 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 119 सीटों में से 77 यानी 77 सीटें मिल सकती हैं। सपा को यहां पर 37, बसपा खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीटें अपने पाले में कर सकता है। और अवध रीजन के वोट प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो यहां पर बीजेपी को 43% वोट शेयर यानी कि टॉप नंबर पर अवध रीजन में भी बरकरार है। बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए तो सपा को यहां पर 33% वोट शेयर यानी कि 20 से 33 पर आना सपा के लिए एक अच्छी खबर है, और बसपा को यहां पर 13 और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 8% वोट शेयर यानी कि चौथे नंबर की पार्टी बन सकती है। अन्य पार्टी को यहां पर 3% वोट शेयर मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सेंट्रल यूपी में 67 विधानसभा सीट हैं, और यहां पर 67 में से यानी कि 67 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, 48 विधानसभा सीटें। भारतीय जनता पार्टी 48 विधानसभा सीटों के साथ पहले नंबर की पार्टी बन सकती है, और सपा को यहां पर 17 यानी समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी को यहां पर 17 ही विधानसभा सीटें मिल सकती है यानी कि दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। बसपा को यहां पर 1 तो कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी का यहां पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं वोट शेयर के मामले में सेंट्रल यूपी में कैसा रहने वाला है माहौल। तो यहां पर बीजेपी अवध रीजन के ऊपर यानी कि सेंट्रल यूपी में 44 यानी 44% वोट शेयर अपने पाले में कर सकता है। सपा यहां पर 35% वोट शेयर के साथ और बसपा को यहां पर 11% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, और कांग्रेस पार्टी यहां पर चौथे नंबर की पार्टी यानी 4% वोट शेयर के साथ चौथे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अन्य के खाते में यहां पर 6% वोट शेयर मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां पर 71 विधानसभा सीटें हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर पश्चिमी यूपी में 71 विधानसभा सीटों में से यहां पर योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के खाते में 39 सीटें और सपा को यहां पर 29 सीटें और बसपा खाते में 9, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1, अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। मत प्रतिशत की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 38% मत प्रतिशत मिल सकता है। सपा को यहां पर 34%, बसपा खाते में 16%, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 5%, अन्य पार्टी को यहां पर 7% वोट शेयर मिल सकता है। पूर्वांचल यूपी की बात करें तो यहां पर पूर्वांचल में 143
सीटें हैं और यहां पर किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही हैं तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी खाते में 80 यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर, आधी से कम सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को 80, तो समाजवादी पार्टी खाते में 52 सीटें जा सकती हैं। बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 5 सीटों पर ही अपना खेल दिखा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर काबिज हो सकती है और अन्य पार्टी यहाँ पर 4 सीटें अपने खाते में ला सकती है। पूर्वांचल के मत प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 39% और सपा खाते में 34%, बसपा खाते में 18% और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4%, अन्य पार्टी को यहाँ पर 5% वोट शेयर मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से किसके पाले में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आ सकता है। यूपी में 403 विधानसभा सीटों में से यूपी की 262 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है यानी कि सरकार वापसी कर सकती है 262 विधानसभा सीटों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी को 120 है दूसरे नंबर की पार्टी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को यहां पर 120 विधानसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर और हार का भी सामना करना पड़ सकता है और बसपा को यहां पर 11 मात्र 11 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी बसपा। एक बार फिर से बता देते हैं, बसपा का इस बार 2022 के चुनाव में काफी ज्यादा असक्रियता से चुनाव मैदान में है और काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ सकता है और एक्टिव भी नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी इतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं है वरना समाजवादी पार्टी के आसपास चला जाता। और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों के है 7 यानी कि कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ 6 सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 वोट मिल सकते हैं यानी 4 सीट मिल सकती है, कहा जा सकता है 4 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मत प्रतिशत की। यूपी यानी 403 विधानसभा और 75 जिलों के मत प्रतिशत यानी पूर्वांचल, पश्चिमी, सेंट्रल, अवध, बुंदेलखंड, इन रीजनों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसे वोट प्रतिशत मिलेगा। बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में जा सकता है 41% वोट शेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपने खाते में कर सकते हैं 41% वोट शेयर, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 30% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं और बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 18% और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 6%, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 5% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई जा रही है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम। अवश्य लिखिएगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।